हरे कृष्णा, जय श्री राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल कृष्णा लव आर्ट। तो देखिए, आज हम ये इस तरीके की ब्यूटीफुल सी ड्रेस अपने गोपाल जी के लिए आज के इस वीडियो में बनाएंगे। देखिए, बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सा डिज़ाइन है ड्रेस का, और सिर्फ नेट फैब्रिक से। और यहाँ पर मैंने ये रिबन का यूज़ करा है। सिर्फ इन दो चीज़ों से ये ड्रेस बन करके आप आसानी से तैयार कर लेंगे। बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सा डिज़ाइन है, और बहुत ही इजीली आप इसको बना करके तैयार कर लेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम भी ड्रेस बनाएंगे तो भी आप बहुत ही इजीली, बहुत ही आसानी से बना करके तैयार कर लेंगे। देखिए कितनी प्यारी सी लुक आ रही है इसकी। सिर्फ नेट फैब्रिक और रिबन का यहाँ पर मैंने यूज़ किया हुआ है। ये देखिए, आप इसको 5 और 6 नंबर के और 7 नंबर के गोपाल जी को भी आराम से पहना सकते हैं। ये देखिए, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले गाइज, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं हमने ये गोपाल जी की सुंदर सी पोशाक किस तरीके से बनाई है। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने ये नेट का फैब्रिक ले लिया है। ये देखिए, नेट फैब्रिक, पिंक कलर का नेट मैंने यहाँ पर यूज़ करा है। इसकी चौड़ाई ये देखिए, मैंने 4 इंच से थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखा है। थोड़ा सा सिलाई में जाएगा ये दोनों साइड से, तो ये फिर हमारा 4 इंच हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा 4 इंच से एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पर ये नेट फैब्रिक ले लिया है। और इसके साथ मैंने ये देखिए इस तरीके का रिबन का यूज़ किया है। ये 1 इंच चौड़ा यहाँ पर रिबन मैंने यहाँ पर ले लिया है। इसको हम यहाँ देखिए नीचे की साइड रख करके इसको सीधी सीधी सिलाई लगा लेंगे, इसके साथ अटैच कर देंगे। तो देखिए, ऊपर और नीचे की साइड रिबन में दोनों साइड सिलाई लगा करके इसको मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया है। अब ये देखिए, अब हम क्या करेंगे इसमें, इसमें सिंपल हमें अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसमें हम प्लेट्स डालनी है। तो अब हम इसमें इस तरीके से करते हुए बिल्कुल इक्वल्स इक्वल्स यहाँ पर ही देखिए इस तरीके से करते जाएंगे, प्लेट्स बनाते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। तो चलिए प्लेट्स भी डाल देते हैं इसमें। तो देखिए, प्लेट्स बना करके इसको मैंने तैयार कर दिया है। इस पर एक बार मैं प्रेस लगा लेती हूँ। ये देखिए, प्रेस लगाने के बाद कितनी प्यारी सी इसकी एक एक प्लेट्स, बहुत ही खूबसूरत सी, ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है। तो अब इस पर हम यहाँ पर इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। तो यहाँ पर बेल्ट लगाने के लिए पहले हम इसको मेज़र कर लेते हैं। ये देखिए, हमारा ये कमर कितना आया है। देखिए, लगभग ये 6 इंच हमारा आया है। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6 इंच से दोनों साइड से एक्स्ट्रा रखते हुए 7 इंच मैंने यहाँ पर इसको ले लिया है। इसको यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करेंगे, बैक साइड पर इसके ड्रेस के रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। तो देखिए, इस पे भी सिलाई लगा दी है बैक साइड पर रख करके। अब इसको क्या करेंगे, आगे की साइड फोल्ड करके आगे की साइड सिलाई लगाएंगे। तो ये नेफा हमारा अटैच होकर के रेडी हो जाएगा। तो इसमें आगे की सिलाई लगाने से पहले हम इसमें क्या करेंगे, डोरी ले लेंगे। डोरी इसके अंदर यहाँ पर रख करके फिर हम इस पर सिलाई लगाएंगे। तो चलिए इस पर सिलाई लगा देते हैं। तो देखिए, ये ड्रेस का बेस बन करके हमारा तैयार है। अब इसकी हम चोली बना लेते हैं। चोली बनाने के लिए भी मैंने यहाँ पर पिंक कलर का यहाँ पर फैब्रिक ले लिया है, सेम फैब्रिक। तो इसकी देखिए चौड़ाई यहाँ पर मैंने ये 3 इंच रखी है, और इसकी लंबाई मैंने ये देखिए 12 इंच की लंबाई रखी है, क्योंकि इसमें से हमें 2 स्ट्रिप तैयार करनी है। तो इसको हम यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करेंगे। इसको डबल हमने कर लिया है, और इसी में हम यहाँ पर रिबन से इस तरीके से करके यहाँ पर रख करके इसको
ओपन साइड वाले एरिया पर रख करके सिलाई लगाएंगे और इसको ओपन साइड से लॉक कर देंगे। तो चलिए सिलाई लगा देते हैं इस पर भी। तो देखिए यहाँ पर भी मैंने सिलाई लगाकर अटैच कर दिया है। इसमें से दो स्ट्रिप कट करके हम तैयार कर लेते हैं। तो इसमें से बीच में से कट कर लेंगे। तो ये दो स्ट्रिप हमारे पास हो गई हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, इनको एक दूसरे को यहाँ पर बराबर रखेंगे और इसके सेंटर में हमें थोड़ी सी दूर पर यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। तो चलिए इस पर भी सिलाई लगा देती हूँ पहले। तो देखिए इस पर सिलाई लगाने के बाद ये देखिए इस तरीके से आएगी ये। अब हम क्या करेंगे, इसको बेस के ऊपर रख करके इसको हमें बेस के साथ अटैच करना है। तो हम यहाँ पर इसको ले लेते हैं बेस को और इसके बिल्कुल सेंटर में रख करके इसको इसके साथ अटैच कर देंगे। तो चलिए सिलाई लगा देते हैं इस पर भी। तो देखिए इस पे भी सिलाई लगा करके तैयार कर दिया है। ये देखिए ड्रेस बन करके तैयार हो गई और बहुत ही जल्दी से इतनी खूबसूरत सी ड्रेस आप सिर्फ नेट और रिबन की हेल्प से बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बना करके तैयार कर लेंगे। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।